देखिए दोस्तों, मार्केट अभी भी इसी लेवल के आसपास अपने आपको होल्ड किए हुए हैं जो मार्केट ने लास्ट टाइम किया हुआ था, यानी कि मार्केट के जो ट्रेंड लाइन है अभी मार्केट उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। और हमारा सेटअप भी यही है कि मार्केट जितने दिन यहाँ पर रुकेगा उतना अच्छा हमारे लिए है, और जब ऊपर की तरफ 37,500 को नीचे की तरफ 47,000 को ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा तब एक अच्छा टाइप ट्रेड हमारे लिए बन सकता है। अभी फिलहाल इसी लेवल पे अपना फोकस बना के रखना कि मार्केट इस ट्रेंड के आसपास आकर कैसे कैंडले बना रहा है। और देखिए आज के दिन में मार्केट ने जो शनिवार का लो लगा हुआ था और हाई लगा हुआ था दोनों को ही ब्रेक कर दिया, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। एक मैंने लाइव वीडियो बनाकर डाली हुई थी जिसमें हमने 47,433 के ऊपर ट्रेड लिया था और टारगेट हमने जो रखा था 47,522 का। और देखिए मार्केट ने हाई कहाँ पे लगाया हुआ है, 47,523 का, यानी कि एक पॉइंट से हमारे मार्केट घूम के आ गया। देखिए हमने जो ट्रेड लिया था, पहले ट्रेड बता देता हूँ आपको, देखिए इस लेवल के आसपास हमने ट्रेड लिया था अपना, यहाँ पर 47,433 के आसपास यहाँ हमने ट्रेड लिया और टारगेट हमने रखा हुआ था 522 का। मैं इस कैंडल पे निकल गया 511-512 के आसपास निकल गया। देखिए मार्केट 522 का हाई लगा के वन वे कहाँ गया, जो लास्ट डे के लो लगा हुआ था, सॉरी जो शुक्रवार का जो क्लोजिंग थी उसके आसपास मार्केट फिर आ गया। अब देखिए कल के लिए हमारा क्या सेटअप हो सकता है, क्या ट्रेड होगा, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और उसे एनालिस करते हैं। देखिए सिंपल सा एक सेटअप है बस, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करना, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए मार्केट जब भी इस रेंज के बाहर निकलेगा, वन वे निकल जाए उसके नहीं कह रहा हूँ, मार्केट इसी रेंज में ओपन हो कल के सेशन में, जो मार्केट ने रेंज लगा बनाई हुई है, और इस लेवल के आसपास आकर 500 के पास आकर रेंज बनाए और फिर उसे ब्रेकआउट करता है ऊपर के तरफ, उस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो एक फास्ट मूवमेंट में फिर से देखने के लिए मिल सकता है और हम आ सकते हैं कहाँ तक, 47,700 के आसपास तक। कब? जब मार्केट इस 47,500 के आसपास कोई रेंज बनाएगा तब। ऐसा ही नीचे की तरफ है, 47,200 के आसपास कोई रेंज बनाए, दो तीन घंटे की, घंटे डेढ़ घंटे दो घंटे की कोई भी एक रेंज बनाए, उससे फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे की तरफ हम ट्रेड लेंगे और फिर हम उसमें आ सकते हैं 47,055 के आसपास तक। बस यही दो सेटअप होंगे, बाकी इस बीच में कहीं मार्केट घूमता रहेगा तो मैं कल ट्रेड करने वाला हूँ नहीं। ट्रेड मेरा यही रहेगा, या तो मार्केट इस लेवल पर आकर रेंज बनाए, यहाँ से ब्रेकआउट करे, या फिर इस लेवल के आसपास अगर रेंज बनाए उसका ब्रेकडाउन करे। अब देखते हैं कि कल के सेशन में मंगलवार को हमें कहाँ ट्रेड मिल सकता है। चलिए दोस्तों कल के लिए फिर, अच्छा मैंने एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने उसके बाद जो यहाँ पे एक ट्रेड लिया था 47,444 के आसपास, उसके बाद मैंने एक ट्रेड और लिया था 47,300 की पुट, जो कि मैंने कहाँ ली थी वो दिखा देता हूँ। देखिए मार्केट पहले वन वे आया और देखिए जब मार्केट यहाँ पे चल रहा था तभी मैंने कहा था यहाँ पे ट्रैप मत हो जाना, हो सकता है मार्केट 522 का हाई लगाने का तो वापस कहाँ पर आ जाए, लास्ट डे की क्लोजिंग के आसपास मार्केट आ जाए। और देखिए मार्केट ने 15 मिनट में किया भी वैसा ही, हालांकि मैं ट्रेड नहीं ले पाया था क्योंकि मेरा यहाँ कोई सेटअप था नहीं। अब मार्केट जब वन वे नीचे की तरफ आ गया, यहाँ से वापस मार्केट ऊपर गया था तो 333 के आसपास यहाँ मैंने एक ट्रेड लिया था नीचे की पुट, और जो ये कैंडल बनी थी इसी का मैंने हाई लगाया था 355 के आसपास का, यानी कि 20 से 30 पॉइंट का मेरा एसएल था और टारगेट मेरा था 255 के आसपास, 47,255 के आसपास। दो ही कैंडल ने मेरा टारगेट दिया और मेरा टारगेट अचीव हो गया, उसके बाद फिर मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। ये देखिए आज के सेशन में मेरे दो ही ट्रेड हुए, पहला ट्रेड 47,400 की कॉल और दूसरा ट्रेड 47,300 की पुट, उसके बाद फिर मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। अब कल के लिए तो हमारा सेटअप क्लियर हो गया है कि कहाँ ट्रेड करने वाले हैं कल के सेशन में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।